अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। 2 महीने से जेल में सजा काट रहे सास के कर्मचारी पर शिक्षा विभाग मेहरबान नहीं की गई विभागीय कार्रवाई। चतारा थाना अंतर्गत 2015 में 2 पक्षों में हुआ था विवाद, जिसमें 5 लोग बुरी तरह घायल हुए थे, जिनका इलाज जतारा स्वास्थ्य केंद्र टीकमगढ़ जिला अस्पताल और स्थिति खराब होने के चलते ग्वालियर रेफर कर दिया गया था, जिसका मामला जतारा थाने में पंजीकृत हुआ था, जिसको लेकर तकरीबन 7 वर्ष बाद न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते सभी आरोपी जेल गए हुए थे। भरा जी, आपसे पूछना चाहूँगा, आपको एक मामला हुआ था, उसमें क्या कार्रवाई हो रही है अभी तक? उसमें हम लोगों को उन जो विपक्ष पार्टी है उनको भी 7 साल की सजा हुई थी, उनमें विष्णुपाल सिंह को जिला पंच ब्लॉक सी यू पलेरा ने सस्पेंड कर दिया, और जो टीचर थे कांकनपुरा गांव में जतारात तहसील, उनको सस्पेंड नहीं किया गया, उनका पास लेटर भी पहुंच गया था, लेकिन शिक्षा विभाग अधिकारी ने उसको सस्पेंड नहीं किया, अभी तक वो दबाए रखे हैं, नेताओं की मिली भगत के कारण वो दबाए में सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, जबकि उन्हें 7 साल की सजा हुई, उन्हें सस्पेंड होना चाहिए, और इसका लेटर श्रीमान जी कलेक्टर साहब को भी दिया गया और जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं उन पर। ठीक सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि जो व्यक्ति शासकीय सेवा में कार्यरत है, अगर उसको कोई सजा होती है, न्याय द्वारा फैसला आता है, तो उस पर क्या वैधानिक कार्रवाई और अंग्रिम होती है विभाग द्वारा? मध्य प्रदेश सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत यदि मामला शासकीय सेवक के विरुद्ध पंजीयन में होता है और वह निरोध की अवधि में 48 घंटा या उससे अधिक रहता है, तो नियम 9 खा के अंतर्गत उस व्यक्ति को निलंबित समझा जाएगा, ऐसा उल्लेख है। इसी तरह मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियम अपील नियम 1966 में यह भी उल्लेख है कि यदि किसी शासकीय सेवक को दंडादेश दिया गया है और वो दंडादेश के अंतर्गत 48 घंटे उसके अधिक अवधि में निरोध में रहा है, तो वह निलंबित समझा जाएगा। और नियम 5 में यह भी उल्लेख है कि यदि उसने 2 सिद्धि के विरुद्ध अपीली न्यायालय में अपील की है और अपीली न्यायालय में 2 सिद्धि में को स्थगन न देकर मात्र सजा को स्थगित किया है, तो उक्त अनुसार शास्ति निरूपित की जा सकती है, यानी कि वो व्यक्ति जिसके विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज है 48 घंटे के अधिक अवधि में निरोध में रहा है, तो उसके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की ही जाएगी, यह मैंडेटरी प्रोविजन इस नियम में लिखा है। सर, आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो शासकीय सेवा ले रहा है उसको सजा मिलती है, तो क्या वो नौकरी करने के लिए होता है? न्यायालय द्वारा सजा हुई है वो सेवा से पदित किया जाए, महसूस किया जाना उचित है। ऐसे ही मामला आया, कृष्णपाल सिंह जी हैं जो शिक्षक हैं, उनको 2 महीने हुए सजा भुले हुए, उन पर क्या कार्रवाई की गई? उनका भी अपने प्रस्ताव पदित डिसमिस करने का कलेक्टर से बात भेज दिया है। आखिर 2 महीने क्यों लग गए इस काम के लिए? हाँ, पर अपन ने कोर्ट में डिसीजन मांगा था विधि आयोग से, संबंध में क्या मांगा था, इसके लिए कब कार्रवाई हो रही सर? कार्रवाई इसी हो जाएगी।